हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल ट्रैवल हॉलिक मिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कोलकाता के बाहर कहीं घुमाने लेके जा नहीं पा रही थी। इस कोरोना के सिचुएशन और बहुत जगह पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन के वजह से मैं दूर कहीं प्लान कर नहीं पा रही थी, लेकिन फाइनली मैंने प्लान कर लिया पहाड़ों में जाने का। क्यों, मन खुश हो गया ना? कहीं घूमने जाओ तो पहाड़ में जाओ, पहाड़ नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है। तो मेरे इस ट्रिप में और एक एक्साइटमेंट है, मैं जा रही हूँ ट्रैकिंग में। हाँ, कहते हैं पहाड़ों में जब तक तुम ट्रैक नहीं करोगे तब तक पहाड़ों की असली खूबसूरती तुम देख नहीं पाओगे। मेरे लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम ट्रैक करने जा रही हूँ। बहुत दिनों से सपना था पहाड़ों को ट्रैक करने का, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो फाइनली वो मौका मिल गया और मैं अपना सपना जीने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा मेरा ये सपना मैं आप लोगों के साथ जीती हूँ, तो चलिए मेरे साथ मेरा सपना जीने के लिए पहाड़ों में। अभी बहुत बकबक कर लिया, अभी चलिए मेरे साथ पहाड़ों में। हम लोग पहुंच गए शियालदह स्टेशन। रात 11:20 का ट्रेन है हम लोगों का, पौधातिक एक्सप्रेस। तो चलिए चलते हैं NGP के ओर। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनका पूरा होने का सपना हम लोग कभी देखते ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता होता है इस जन्म में तो ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। मेरे लाइफ में ट्रैकिंग का सपना भी कुछ ऐसा ही था। शादी से पहले मैं ट्रैकिंग कर नहीं पाई, मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद पता चला मेरे हस्बैंड को ट्रैकिंग बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए वो तो लेके जाने वाले नहीं हैं मुझे ट्रैकिंग में। और शादी के बाद अकेले ट्रैकिंग में जाना ये तो मैं सोच ही नहीं सकती, तो वो सपना पूरा होने का ख्वाब मैंने छोड़ ही दिया था। लेकिन फाइनली आज उसी हस्बैंड के सपोर्ट के वजह से मैं जा रही हूँ ट्रैकिंग में। हाँ, अकेले जा रही हूँ ट्रैकिंग में। फाइनली मैं अपना सपना जीने जा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ मेरे सपनों को आप भी जी लीजिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। इस स्टेशन में उतरते ही एक अलग खुशी हो जाती है मन में, क्योंकि यहाँ पे आते ही सारे गम भुला देता है पहाड़, मन खुश हो जाता है। तो चलिए हम लोगों के आज के डेस्टिनेशन की तरफ। हम लोग आज जा रहे हैं श्रीखोला। बहुत ज़ोरों से भूख लगा है, पेट में चूहा दौड़ रहा है, तो चलिए फटाफट थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सामने गरम गरम आलू का पराठा है, तो टूट पड़ते हैं आलू के पराठे के ऊपर। चलिए अभी मेरे ग्रुप से आप लोगों का थोड़ा इंट्रो करवा देते हैं। फर्स्ट करवाते हैं हम लोगों के टूर मैनेजर का। हम लोगों का कौथा है, कौथा से हाय। ये है शोमी, ये है तुम्हारा नाम थोड़ा बता दो। सुमनिता, सॉरी भूल गए, सुमनिता। दादा का नाम थोड़ा बता दो। दीदी आपका नाम? अंकिता। तो चलिए हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, तो हम लोगों के साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं श्रीखोला की तरफ। मेरे इस ट्रिप का टूर प्लान है 3 नाइट 4 डेज का। हम लोग आज डे वन में NGP2 श्रीखोला जा रहे हैं गाड़ी से। नाइट स्टे हम लोगों का आज का श्रीखोला में ही है। उसके बाद डे टू में हम लोग श्रीखोला टू समंदिन जाएंगे पूरा ट्रेक करके, वो पूरा ट्रेकिंग ट्रेल है। उसके बाद डे टू का नाइट स्टे हम लोगों का समंदिन में है। समंदिन से नेक्स्ट डे मॉर्निंग डे थ्री में हम लोग जाएंगे वारिंग, सिक्किम का वारिंग। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम लोग ट्रेक करके ही वेस्ट बंगाल से सिक्किम एंटर करेंगे सिंगलीला फॉरेस्ट रेंज होके। तो ये तो अभी से मुझे बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है कि कैसा होगा ट्रेकिंग ट्रेल्स। कहते हैं कि ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी यहाँ पे बहुत कम पहुँच पाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्लैक फॉरेस्ट।
मुझे तो अभी से बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। हम लोग पहुंच गए मिरिक। रास्ते में जाते जाते हम लोगों का मिरिक पड़ा। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत है आपको बता नहीं सकती। देखिए वीडियो में यहाँ इसको टिंगलिंग व्यू पॉइंट बोलते हैं। मैंने पहले भी इस जगह को विज़िट किया है, बहुत खूबसूरत है जगह। तो चलिए देखिए कितना खूबसूरत है व्यू। बॉर्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर। इसके इस पार है इंडिया और उस पार है नेपाल। यहाँ से आप लोग आईडी दिखा के नेपाल एंटर कर सकते हैं। ये है रिम्बिक व्यू पॉइंट। रिम्बिक एक छोटा सा टाउन है सिंगालीला नेशनल पार्क एरिया में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ये रिम्बिक पड़ता है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के बहुत करीब सिचुएटेड है। आप लोगों को तो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई है इंडिया नेपाल बॉर्डर। रिम्बिक चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। यहाँ से कंचनजंगा का बहुत मैजेस्टिक व्यू आपको दिखाई देने को मिलता है और यहाँ का लैंडस्केप भी बहुत खूबसूरत है। रिम्बिक और एक वजह से बहुत पॉपुलर है, ये एक ट्रेकिंग ट्रेल्स है। यहाँ पे बहुत सारा होम स्टेज भी है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे वन नाइट स्टे भी कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे और कई सारे वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये है माने भंजन। माने भंजन भी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है। माने भंजन को सिंगालीला नेशनल पार्क का गेटवे भी कहा जाता है। एक्चुअली भंजन एक नेपाली वर्ड है जिसका मीनिंग है जंक्शन, एंड माने वर्ड का नेपाली मीनिंग है बुद्धा स्तूपा। तो इसका मतलब है माने भंजन वर्ड का मीनिंग है स्तूपा जंक्शन। माने भंजन संदकफू ट्रेकर्स के लिए बहुत फेमस एक जगह है। यहीं से संदकफू का ट्रेक स्टार्ट होता है। जो लोग ट्रेकिंग करके नहीं जा सकते संदकफू, वो लोग यहीं से ब्रिटिश ज़माने का वो लैंड रोवर हायर करते हैं संदकफू जाने के लिए। तो ये जगह ट्रेकर्स के लिए बहुत फेमस एक जगह है। हम लोग यहाँ पे रुक तो नहीं पाए क्योंकि हम लोगों के हाथों में टाइम नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना पड़ रहा है हम लोगों को। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे लाइव अपडेट्स मैं वहीं पे देती रहती हूँ। ये है धोत्रे। धोत्रे को सिंगालीला फॉरेस्ट एरिया का बफर जोन कहा जाता है। पहले यहाँ से टिम्बर लॉग कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोपवे के माध्यम से, लेकिन अभी तो वो रोपवे नहीं है। लेकिन धोत्रे में आके आप लोग कंचनजंगा का बहुत खूबसूरत व्यू देख पाएंगे। अक्टूबर नवंबर में यहाँ का स्काई बहुत क्लियर रहता है और मैजेस्टिक व्यू रहता है कंचनजंगा का। और अगर आप लोग मार्च अप्रैल में धोत्रे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग
को रोनोडेंड्रॉन, मैंगोलिना, ऑर्किड का ब्लॉसम्स देखने को मिलेगा चारों तरफ। तभी ये जगह बहुत खूबसूरत लगता है। मार्च अप्रैल में यहाँ से एक ट्रिक भी होता है रोनोडेंड्रॉन सेंचुरी को साइड में रखते हुए टोंगलू के लिए। 7 किलोमीटर का ट्रिक है ये धोत्रे टू टोंगलू। वो रास्ता बहुत खूबसूरत है। तो फाइनली हम लोगों को दिख गया श्रीखोला रिवर। हाँ, यही है वो श्रीखोला रिवर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही गए श्रीखोला। और थोड़ा सा इंतज़ार, इसके बाद ही मैं आप लोगों को श्रीखोला का सीनिक ब्यूटी दिखाऊंगी। श्रीखोला एक छोटा सा माउंटेन विलेज है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। इसका सीनिक ब्यूटी बहुत खूबसूरत है। इसका ऑल्टीट्यूड है 6,900 फीट। श्रीखोला ट्रेकर्स के बीच में बहुत फेमस है, क्योंकि ये संदकफू जो लोग ट्रेक करते हैं तो रिटर्न के टाइम ये लोग श्रीखोला में नाइट स्टे करना पसंद करते हैं, क्योंकि संदकफू से श्रीखोला का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। और श्रीखोला में एक नदी है, उस नदी का नाम है श्रीखोला। उसी नदी के नाम से इस गाँव का नाम हुआ है श्रीखोला। तो ट्रेकर्स जब संदकफू से लौटते हैं तो इसी श्रीखोला नदी को पास में रखते हुए चलते हैं। तो सीनिक ब्यूटी भी बहुत खूबसूरत होता है। इसी नदी में नहाना, नदी के पास बैठ के लंच करना, ये सब भी एक्स्ट्रा एडवेंचर होता है ट्रेकर्स के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए श्रीखोला। ये है हम लोगों के आज रात का ठिकाना। फाइनली हम लोग होम स्टे पहुंच गए। सुबह 11 बजे हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट किया था, लेकिन रास्ते में बहुत जगह हम लोग रुके, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आने में। 5 बज गया है अभी, तो थोड़ा टायर्ड है। तो चलिए अभी रूम देखते हैं, होमस्टे कैसा है देखते हैं। ये है होमस्टे का रूम। रूम तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेकर्स लोग आते हैं, इसलिए मैक्सिमम रूम में ही सिंगल बेड दिया हुआ है होमस्टे में। अब देखिए श्रीखोला का व्यू, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है और एक रूम। हम लोग 6 मेंबर हैं, इसलिए हम लोगों को 2 रूम दिया गया है। 2 रूम में टोटल 8 बेड हैं। ये देखिए बालकनी से व्यू देखिए, दिल खुश हो जाता है ऐसा व्यू देख के। ये देखिए दूर में श्रीखोला नदी बह रहा है, लेकिन उसका आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। नदी का फोर्स इतना ज़्यादा है। और सनसेट भी कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए एक के बाद एक पहाड़ जैसे कोई पेंट कर दिया है। इसी नज़ारे के लिए तो बार बार पहाड़ों में दौड़ के आते हैं। इतना खूबसूरत व्यू, दिल खुश हो गया। इसीलिए तो आप लोगों को बार बार कहते हैं ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल जैसा सुकून, ट्रैवल जैसा शांति आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं। फ्रेश होके आ गए सब कोई। इन लोगों का डाइनिंग प्लेस भी इतना खूबसूरत है, मतलब हर एक चीज़ इन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया है। तो चलिए आप लोगों का डाइनिंग प्लेस का भी एक विजिट करवाते हैं।
पत्र खरीदे। फाइनली हम लोग लंच कर रहे हैं, ऑलरेडी शाम हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है, क्या करें, हम लोगों के फोटो सेशन के वजह से ही लेट हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़ोरों से भूख लगा है और इन्होंने बहुत सारा आइटम किया है, तो आप लोगों को दिखाया है मैंने आइटम, तो चलिए अभी फटाफट खा लेते हैं। देखिए, आपको मैंने कहा था ना, श्रीखोला से कई सारे ट्रिक स्टार्ट होता है, यहाँ पे सारे ट्रिक का डिटेल्स दिया हुआ है। ब्लैक फॉरेस्ट ट्रेल, कुर्दम विलेज, ताशिल टू अपर सीपी। अपर श्रीखोला, टिम्बूरा विलेज, परतम विलेज, देखिए ये है हम लोगों का समंदेन विलेज, यहाँ पे हम जाने वाले हैं। कल से हम लोगों का जो ट्रैक स्टार्ट है वो आपको मैप में समझाते। देखिए अभी हम लोग हैं यहाँ पे लिपोहोचा होमस्टे, ठीक है। हम लोग यहाँ से जाके ये रूट क्रॉस करके, यहीं पे थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है ट्रिक का जो टफ पोर्शन है वो यहीं पे आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे रम्मम विलेज, रम्मम विलेज से इसके बाद हम यहाँ पे ऑलमोस्ट इजी ट्रैक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे समंदेन। कल रात का नाइट स्टे हम लोगों का यहीं पे है समंदेन। उसके बाद वाले दिन समंदेन पे नाइट स्टे करके दूसरा दिन मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे गोरखे के लिए। गोरखे के आगे यहाँ पे है गोरखे के आगे हम लोग यहाँ पे है वारिंग, वो वारिंग विलेज में हम लोग स्टे करेंगे। हम लोगों का थर्ड नाइट स्टे होगा वारिंग में। तो समझ गए ट्रिक कैसे रूट है हम लोगों का, तो देखते हैं। मेरा तो फर्स्ट ट्रिक है, कितना कैपेसिटी खुद के अंदर है कल ही पता चल जाएगा, क्योंकि कल ही जो टफ ट्रेल है हम लोगों का कल ही है। तो देखते हैं, चलिए मेरे साथ आप लोग तो रहेंगे ही, कितना तकलीफ़ होता है या इजीली चले जाते कल देखने को मिलेगा। वो देखिए चंदा मामा, कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में रहेगा समंदेन। मेरे इस ट्रैक का नाम ही है समंदेन ट्रैक, इसका मतलब आप समझ ही सकते होंगे। और भी कई ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा आपके लिए इंतज़ार करेगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग में, तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और हो सके तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।